मुरलीधर कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। ये 12 इंची 150 वाट का स्पीकर है। पिछले वीडियो इसका ऑलरेडी हम बना दिए हैं, क्योंकि फिर से दोबारा स्पीकर ये रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। देख सकते हैं ये दूसरा स्पीकर है। एक स्पीकर के रिपेयर किए हैं, पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि हम 2 स्पीकर रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है, दिखा रहे हैं। इस पहले मल्टीमीटर से इसका कॉइल चेक कर लेते हैं, वायर मोड पर सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद इसको जो है यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं है। ये देखिए, कोई भी मल्टीमीटर में रीडिंग नहीं है। ये पूरा तरह से जो है कॉइल इसका कट चुका है। तो पिछला वीडियो हम इसका ऑलरेडी बना दिए हैं, फिर भी ये वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। तो कोई तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। और एक चीज़ है, इसके साथ में ये भी है, ट्विटर भी है इसके साथ में। ये ट्विटर भी कोई काम नहीं कर रहा है। ट्विटर का जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अगले वीडियो उसमें जो है ट्विटर को रिपेयर करेंगे। तो अभी फिलहाल जो है हम सबसे पहले इसी को रिपेयर करेंगे। पिछले वीडियो ऑलरेडी इसका बना दिए हैं, फिर चलिए इसको पहले देख सकते हैं। 12 इंची 150 वाट का है। कोई इसका पूरा तरह से कॉइल जो है कट गया है। तो पहले इसको साफ़ सुथरा कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो इसको जो है स्पीकर को पूरा तरह से देख सकते हैं, साफ़ सुथरा कर दिए हैं। और इसका जो है कॉइल पूरा तरह से जो है कट गया है। यही पर्दा इसे खोलें, देखिए कॉइल का क्या हाल है, देख सकते हैं। कॉइल जो है पूरा तरह से चथरी उड़ गया है, चखना चूर हो गया है कॉइल। 2 स्पीकर छाड़ रहे हैं, देखिए एक पहले छाड़े थे और ये दूसरे का स्पीकर छाड़ रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। देख ही सकते हैं 2 स्पीकर। तो चलिए अब इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको जो है कॉइल को फिटिंग करना होता है। तो पहले इसको साफ़ सुथरा करने के बाद देखिए कॉइल को जो है, ये रहा कॉइल, देख सकते हैं। और इसको जो है पूरा तरह से फिटिंग करना होता है। यहाँ पे देखिए कॉइल पूरा तरह से फ्री रहना चाहिए, ये देखिए, देख सकते हैं पूरा तरह से ये कॉइल जो है फ्री रहना चाहिए। फ्री है, कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं है। अब कॉइल को इतना पे सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर। पहले कॉइल को फिटिंग करते हैं, पेपर लेना होता है, पेपर से हम फिटिंग कर लेते हैं। ये पेपर से इस तरह से फिटिंग कर लेते हैं इसको, पेपर लगा करके। तो वीडियो जो है लंबा होगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। इस तरह से इसको लगा के फिटिंग कर लेते हैं। पेपर देखिए कॉइल में अंदर से लगा लिए हैं, इसमें कॉइल में, कॉइल के साइड से लगाने के बाद अब इसमें यहाँ पे जो है फिटिंग करते हैं। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना होगा, यहाँ पे दोनों वायर जो है छोर है, यहाँ पे आना चाहिए छोर, इसके सामने पे आना चाहिए, इसके सामने में। ये दोनों छोर है सामने में, इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से लगा लेते हैं, ये फिटिंग हो जाएगा। ये देखिए कॉइल को जो है ऊपर रखना होता है, ये फिटिंग हो गया। तो कॉइल जो है फिटिंग ऊपर रखना होता है, देख सकते हैं कॉइल दिख रहा है, मैग्नेट से जो है कॉइल ऊपर रखे हैं। उसके बाद जो है यहाँ इसमें स्पाइडर में पहले इसमें गोंद लगा लेते हैं। गोंद लगाने के बाद इस तरह से इसको लगा देंगे, चिपका देंगे। चलिए पहले इतना काम कर लेते हैं। चारों साइड जो लगाया है गोंद, तो इसमें इस तरह से स्पाइडर को फिटिंग कर लेते हैं, देख सकते हैं। अच्छी तरह से इसको पहले बैठा लेते हैं स्पाइडर को। ये देखिए स्पाइडर जो बैठ गया है, इसको इस तरह से साट लेते हैं। इस तरह से ये जो है फिटिंग हो जाएगा, चिपक जाएगा। ये अब इसमें जो है बोन टाइट चारों तरफ से लगा लेते हैं। ये रहा बोन टाइट, इसको मिक्स करके लगा लेते हैं।
इस तरह से इसको चारों साइड लगा लेना है। अंदर की ओर नहीं जाना चाहिए कॉइल के अंदर। इसको जो है थोड़ा देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब सूख जाएगा उसके बाद पर्दा डालेंगे इस पर। स्पाइडर जो है पूरा तरह से देख सकते हैं सूख गया है। क्वाल यानी कि फिटिंग हो गया है, पूरा तरह से सूख गया है। सूखने के बाद इसको जो है ये जो लगाए हैं पेपर क्वाल को बैठने के लिए, इस ये पेपर को हम निकाल लेते हैं। आराम से ये पेपर को निकाल लेंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वाल में। ये पेपर निकल गया, देख सकते हैं। पेपर निकलने के बाद अब पर्दा को इसमें लगाएंगे। कॉल देखिए एकदम फिट है, कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं है, अप डाउन हो रहा है। अब इसमें पर्दा को फिटिंग कर लेते हैं। तो पर्दा जो है इसमें इस तरह से, ये पर्दा देखिए यहाँ पे भी इसका इसके होल का नाप बना लिए हैं। पर्दा में होल बनाने के बाद यहाँ पर आराम से इसको फिटिंग कर लेते हैं। इस तरह से इसमें फिटिंग कर लेते हैं, ये देखिए आराम से फिटिंग हो गया, देख सकते हैं इस तरह से ये बैठ जाएगा। चलिए इसको आराम से इसको चिपका लेते हैं। ये इसका जो है पर्दा भी देख सकते हैं चिपक गया है, पूरा तरह से फिट हो गया है पर्दा, और ऊपर का रबर भी इसको चिपका लिए हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन करना होगा, इसको यहाँ पे कनेक्शन करना होगा, यहाँ पे छेद करना होता है, यहाँ पे छेद भी कर लिए हैं। छेद करके यहाँ पे वायर भी लगा लिए हैं, सिर्फ सोल्डिंग बचा हुआ है। यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं छेद कर लिए हैं, यहाँ से देख सकते हैं करके ऊपर लगा लिए हैं। ये वायर जो है ये वायर लूज रहना चाहिए, ढीला रहना चाहिए ये वायर, क्योंकि ये स्पीकर जो है अप डाउन होता है। अप डाउन होने के कारण अगर यदि ये वायर बड़ा नहीं रहेगा तो ये वायर टूट सकता है, इसलिए ये वायर को बड़ा रखें। अब यहाँ पे कॉइल को जो है ये वायर में इसको इस तरह से यहाँ पे बैठाना होता है, अच्छे तरह से बैठा करके इसको लपेट लेते हैं। देखिए इस तरह से इसको बैठाना होता है और इसको इसमें लपेटना होता है। पहले दो चार फेरा इसमें लगा लेंगे तभी इसमें सोल्डिंग करेंगे। इस तरह से दो चार फेरा लगा लीजिए उसके बाद सोल्डिंग कर दीजिए। इसको भी इसी तरह से करेंगे, पहले बैठा लेते हैं। इस तरह से इसको बैठाना होता है, बैठा करके अब इसमें लपेट देंगे। लपेटने के बाद सोल्डिंग इसमें कर देंगे। चलिए इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर सोल्डिंग कर रहे हैं इसमें, देख सकते हैं अच्छे तरह से इसमें सोल्डिंग कर लेंगे। चलिए इसमें सोल्डिंग कर लिए, अब दूसरा वाला में सोल्डिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं सोल्डिंग पूरा हिट है। हीटिंग करने के बाद इसमें लगा सोल्डिंग कर लेते हैं, देख सकते हैं एक बार में सोल्डिंग हो गया। ये दोनों को जो है बोन टाइट से चिपका लेते हैं, ये रहा बोन टाइट। इसको मिक्स करके अच्छे तरह से इसे चिपका लेते हैं। चलिए पहले इसको इसमें पूरा लट्ठा देना चाहिए ताकि ये अच्छे तरह से चिपक सके, थोड़ा सा भी इसमें कमी नहीं होना चाहिए। देख ही सकते हैं किस तरह से इसमें लट्ठा लगा रहे हैं, चारों साइड से इसको इसमें जो है लट्ठा लगा देंगे, ये चिपक जाएगा। इसमें भी उसी तरह से लट्ठा लगा लेते हैं। चिपक जाएगा पूरा तरह से इसमें लगा लिए हैं। ये तो बन करके जो है रेडी हो गया, यहाँ पे चिपका लिए। ये सूखेगा, उसके बाद ऊपर जो ढक्कन रहता है उसको फिट करेंगे। तो
इसमें जो ऊपर वाला ढक्कन जो है, कस्टमर ने बोला ये ढक्कन नहीं लगाना, ये ढक्कन इसमें नहीं लगाएंगे, ये जो होता है ये देख सकते हैं ऊपर वाला, ऐसा ही इसमें फिटिंग करेंगे ऊपर में, ये है इस तरह से इसको फिटिंग कर देंगे इस तरह से, ठीक है। पहले पहले हम इसका जो है कंटिन्यूटी चेक करवा लेते हैं मल्टीमीटर से, एक बार चेक कर लेना होता है मल्टीमीटर से। ये रहा मल्टीमीटर, वजन मोड पर सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूटी पे देखिए, यहाँ पे ये जो दोनों है यहाँ पे लगा लेते हैं। मल्टीमीटर जो है बीप की साउंड देगा, यानी कि ये ओके है, देख सकते हैं बीप की साउंड दे रहा है, ये जो है ओके है, कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसका जो है साउंड, पहले इसमें इसको जो है बॉक्स में फिटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसका साउंड भी चेक करवाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी वीडियो को जो है फिलहाल यहीं पे लॉक करते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में इसको जो है साउंड और बॉक्स में फिटिंग करके दिखाएंगे।